हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जैन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 6 का मैथ्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 28 क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल है। पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या बोला है? रीमा हैज 24 नोटबुक्स एंड 18 बुक्स। फाइंड द रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स। अब यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दिया, सबसे पहले क्या करोगे, आप पूरा इन्फॉर्मेशन उसको लिख लोगे और फिर उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, नोटबुक का इन्फॉर्मेशन दिया। पहले यहाँ पे लिख लो आप, नोटबुक्स कितनी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना है, 24 है। उसके बाद जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन दिया क्या है, 18 बुक्स है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बुक्स। बुक्स कितनी है, 18 है कि नहीं। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स, है कि नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा हम लोग उसको यहाँ पे पहले लिख लेंगे। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ नोटबुक्स, है कि नहीं, टू नोटबुक्स टू, है कि नहीं, नोटबुक्स टू बुक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नोटबुक्स टू बुक्स। अब हम लोग इसको रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में पूछा है ना। हम लोग को क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ बुक्स नोटबुक्स टू बुक्स, है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख लेंगे नोटबुक इज टू। रेशियो फाइंड करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, इज टू के फॉर्म में। इसको इज टू का सिंबल बोलते हैं, इसके साथ बुक्स के साथ, है कि नहीं। अब यहां पर क्या करो, इन्फॉर्मेशन को लिख लो। अभी देखो नोटबुक्स कितने हैं हमारे पास, 24 है। तो 24 इज टू और बुक्स कितना है, 18 है। यहाँ पे 18 ले लेंगे, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, रिड्यूस भी कर सकते हो। लेकिन मैं एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ, 24 डिवाइड बाय 18 मतलब अपॉन में, है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 24 और 18 जो है वो दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, कौन से ऐसे नंबर से। तो आपको क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा कि कौन से नंबर से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। अभी देखो, जैसे किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करना है, अगर आपको चेक करना है कि वो 2 से पूरा डिवाइड है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करो, आप चेक करो कि यूनिट के प्लेस पे क्या है। अगर जिसे अगर कोई नंबर चेक करना है कि ये नंबर पूरे 2 से डिवाइड है कि नहीं है, तो आप पहले चेक करो कि यूनिट के प्लेस पे, किसके यूनिट के प्लेस पे, 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से नंबर्स है क्या। आया समझ में? उसी तरह हम लोग 3 का भी चेक कर लेंगे। तो 3 का कैसे चेक करेंगे कि जो भी नंबर्स दिया हुआ उन दोनों को जोड़ने के बाद, मतलब ऐड करने के बाद, 2 + 4 कितना आ जा रहा, 6। और 6 के जो 3 के टेबल में क्या है, 6 आता है, मतलब ये क्या आ जाएगा, 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर इस तरह से कोई नंबर मिलता है तो मतलब अगर 2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। आ रहा समझ में? मतलब अगर हम लोग इस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी ये पूरा का पूरा नंबर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं, 6 यहाँ पर भी 6, है कि नहीं। आप 6 का टेबल ऐसा रीड करो कि 24 आ जाए, है कि नहीं। 4 टाइम है, 6 × 4 = 24, और 6 का टेबल ऐसा रीड करोगे 18 आ जाए। तो 6 × 3 = 18 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये डिविजिबिलिटी रूल है। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन और डिटेल में चाहिए तो मैंने 5th स्टैंडर्ड का एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, वहां पर जाकर आप उसको समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी नंबर्स को अगर हमें चेक करना है कि 2 जो है, जैसे 24 जो है वो 2 से डिवाइड है कि नहीं, 18 जो है वो 2 से डिवाइड है कि नहीं, या फिर 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी स्टैंडर्ड 5th का जो वीडियो लेक्चर है वहां से आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल है। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जिससे अगर हम लोग को कोई भी रेशियो में क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग को रेशियो फाइंड करने रहेंगे तो जो दोनों इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा दोनों का यूनिट हम लोग क्या करेंगे,
सेम करेंगे, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 30 क्रिकेट प्लेयर्स एंड 20 खो खो प्लेयर्स। यहाँ पे हम लोग को यूनिट सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लेयर्स क्या है, दोनों जो टीम है और दोनों में प्लेयर्स ही है, सिर्फ क्या है गेम अलग अलग, लेकिन जो काउंटिंग है वो क्या है प्लेयर्स में ही है, मतलब दोनों की यूनिट सेम है, तो यहाँ पर हम लोग को यूनिट सेम करने की जरूरत नहीं है। आर ट्रेनिंग ऑन फील्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। यहाँ पर हम लोग क्या करना है, सिंपल जो इन्फॉर्मेशन दिया पहले उसको आप लिख लो, क्या क्या दिया हुआ है, तो क्रिकेट में कितने प्लेयर्स है वो इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे हम लोग, कितने हैं, तो 30 है कि नहीं, कॉमा, और खो खो में, तो खो खो प्लेयर्स कितने हैं, 20 है कि नहीं। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्टली इसका रेशियो पूछा है क्या, नहीं, उसने हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रिकेट प्लेयर्स टू टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तभी देखो क्रिकेट प्लेयर्स का जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहां से मिल जाएगा, क्रिकेट प्लेयर्स टोटल कितना है, 30 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हमें नहीं पता, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे कैसे, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, अभी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कैसे हो जाएंगे, तो जो क्रिकेट के प्लेयर्स और खो खो के प्लेयर्स रहेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दो क्रिकेट प्लेयर्स प्लस खो खो प्लेयर्स, है कि नहीं। अब क्रिकेट में कितने प्लेयर्स है, 30 है कि नहीं, और खो खो में 20, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 प्लेयर्स। अब देखो यहां पे हम लोग को पता चल गया है कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 50 है, और क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं, 30 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो फाइंड कर सकते हैं, तो रेशियो ऑफ, तो यहां पे लिख लेंगे रेशियो ऑफ किसका, क्रिकेट प्लेयर्स टू टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो इसका इंफॉर्मेशन हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो क्रिकेट प्लेयर इज टू, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, इज टू टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत ही सिंपल है, यहीं पे ले लेते हैं। अभी देखो क्रिकेट प्लेयर्स कितने हमारे पास, 30 है, तो 30 ले लो इस टू। अभी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना है, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना है, 50, यहाँ पे 50 ले लेंगे। अब इसको रिड्यूस करो, अब डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड कर सकते, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3:5 में हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं इसको आपको डिटेल में सॉल्व करके बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30/50, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐसा नंबर देखना है जिसके टेबल में 30 भी आ जाए और 50 भी आ जाए, तो ऐसा कौन सा नंबर है। तो जैसे अगर कभी भी आपको यूनिट के प्लेस पे जीरो मिले, तो डायरेक्टली आपको ये सोचना है कि या तो नंबर वो 5 से डिवाइड हो जाएगा या फिर 10 से। तो मैक्सिमम नंबर हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम जिससे डिवाइड होता रहेगा वो नंबर्स लेंगे। तो यहाँ पे देखो 10 के टेबल में 30 आ जाएगा और 10 के टेबल में 50 भी आ जाएगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 10 ले लेंगे। अगर आप सोचो 15 ले, तो 15 के टेबल में 30 तो आ जाएगा, लेकिन 15 के टेबल में 50 नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। 15 के टेबल में 30 तो आ जाएगा, 15 × 2 = 30, लेकिन 15 के टेबल में 50 नहीं आएगा, तो हमें ऐसा नंबर्स लेना रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को डिवाइड करने के लिए, ताकि वो दोनों नंबर्स उससे डिवाइड हो सके सेम नंबर से। आया समझ में, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 × 3 = 30, तो 3/10 = 50, तो ये क्या आ जाएगा, 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 3:5, ऐसे भी आंसर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 4, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का 6th स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट 28 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना।
उसके साथ जितने लोग चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करके आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी, जो डाउट रहेगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।